छत्तीसगढ़ में बढ़ती हुई अव्यवस्था को लेकर आम जनता परेशान है, जिसको लेकर वो आए दिन प्रदर्शन कर रही है। छत्तीसगढ़ के भानुप्रताप नगर पंचायत के मुख्य चौक पर जनता कांग्रेस जोगी पार्टी के प्रत्याशी मानक दरपट्टी के नेतृत्व में पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने नगर पंचायत की कई अव्यवस्थाओं का मुद्दा उठाते हुए धरना प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि भानुप्रतापपुर के जोगी जनता कांग्रेस के प्रत्याशी मानक दरपट्टी के नेतृत्व में सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता भानुप्रताप नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी और धरना प्रदर्शन करने पहुंचे थे। धरना देकर क्षेत्र की सड़क, नाली, सार्वजनिक शौचालय, शिक्षा एवं चिकित्सा ऐसी कई समस्या को दुरुस्त करने के नाम पर उन्होंने महामहिम और राज्यपाल के नाम तत्काल निराकरण एवं SDM को ज्ञापन सौंपा। वहीं भानुप्रताप नगर पंचायत के अध्यक्ष निखिल सिंह ठाकुर ने जोगी जनता कांग्रेस के धरना प्रदर्शन और आंदोलन को बेबुनियाद करार दिया है और कहा है कि विधानसभा चुनाव का समय है और हाईलाइट होने के लिए जोगी जनता कांग्रेस को कोई और मुद्दा नहीं है, उस मुद्दे को बनाकर आंदोलन कर रहे हैं। भानुप्रताप में विकास ही विकास हुआ है और भानुप्रताप की जनता नगर पंचायत के विकास से काफी खुश है। और बदहाली के विरोध में एक दिवसीय नगर पंचायत भानुप्रतापपुर के विरोध में हमारे बीच तमाम हमारे जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे ब्लॉक भानुप्रतापपुर के नेतृत्व में इस मंच में हमारे प्रदेश के युवा जनता कांग्रेस के सचिव भाई तुषार ठाकुर, युवा जनता कांग्रेस के संगठन जिला के अध्यक्ष भाई संतोष टांडिया जी, ब्लॉक अध्यक्ष भाई जितेन बेंजामिन, नगर के सहार अध्यक्ष भाई दीपक गोलू गजेन जी, बस्तर संभाग के युवा जनता कांग्रेस के उपाध्यक्ष भाई आकाश सोलंकी, बस्तर संभाग के महासचिव जनता युवा कांग्रेस के भाई विक्की पांडे, जिला के कोषाध्यक्ष भाई विजय धामेचा, हमर महामंत्री भाई राजकुमार पंजवानी जी, भाई युवा जनता कांग्रेस के ब्लॉक के दुर्गुंदल कदगा पंकज जैन, हमर जिला के उपाध्यक्ष भाई दुर्गा प्रसाद कुमरे दुर्गुंदल से, भाई महामंत्री मनसा जैन, सिया राम धरना प्रदर्शन किया गया था। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पूर्ण रूप से वो राजनीतिक था, क्योंकि नई पार्टी है उसका कोई मुद्दे नहीं मिल रहे हैं, इसलिए इधर उधर की बेकार की बातें करके लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। और उनके विरोध से तो ऐसा लग रहा था कि जोगी कांग्रेस वाले विधानसभा की नहीं नगर पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। और रही मुद्दों की बात, तो बेसिर पैर के सारे मुद्दे थे उनका। एक मैं मुद्दों को पढ़ रहा था, उनका कहना है कि रोड में गड्ढे को खड़ो, तो उनको ये जानकारी होना चाहिए कि रोड जो है PWD की होती है, नगर पंचायत की नहीं। दूसरा कि मुक्ति धाम के अलावा अन्य समाज के लोगों को भी मतलब कब्रिस्तान वगैरह को ठीक करवाया जाए, तो पहले उनको जानकारी ले लेना चाहिए कि मेरी अध्यक्ष निधि से मैंने 7 लाख रुपये मुस्लिम समाज के कब्रिस्तान और मुस्लिम समाज की जो मस्जिद है वहाँ की गेट के लिए दी है। और उनका मुद्दा है कि अधिकारी कर्मचारी के बारे में, तो मैं बता देना चाहता हूँ ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ अव्यवस्था ये हुई थी कि यहाँ पर जो CMO आए थे उनका रिटायरमेंट था, इसलिए वो 1-1.5 महीने छुट्टी में रहे, उसके बाद अभी नए CMO की नहीं। भानुप्रताप विकास खंड से द न्यूज़ इंडिया के संवाददाता जावेद खान की ये थी खास रिपोर्ट।